ओके बेटा, हो चुके हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे आपका लेक्चर। चलो, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये डायग्राम डायरेक्टली बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक से है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल मैंने वहीं से उठाया ताकि आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी आपके साथ साथ में प्रिपेयर हो जाएं। तो आप ये डायग्राम भी फटाफट से सब बच्चे मेरे साथ देखेंगे। दिस इज द डायग्राम फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो मैंने बनाया है और जो एनसीईआरटी में बना है, दोनों ही ठीक है। कोई भी डायग्राम आप बनाओ, प्रैक्टिस करो, जरूर तैयार करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले ध्यान से देखो जरा, मेल में की जो प्रोसेस होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। तो प्यूबर्टी में मेल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉइड है हमारे पास, ठीक है। यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके माइटोसिस करके और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। फाइनली स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेंगे? द रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना देंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, तो ये दो सेल बनाता है। इन दोनों सेल को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड। क्लियर? देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन, सो इट रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोर सेल विच आर कॉल्ड स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि सेकेंड मेयोटिक है बेटा, तो क्रोमोसोम का नंबर कॉन्स्टेंट रहेगा। नाउ ऑल द स्पर्मेटिड दे अंडरगो डिफरेंसिएशन, सो दे कन्वर्ट इन टू द मोटाइल स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजुआ, और यू कैन से द स्पर्म विच इज अगेन हैप्लॉइड। क्लियर? तो हमारे केस में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, यहां पर भी 46, यहां पर हो गया 23, यहां पर हो गया 23, और यहां पर भी कितना हो गया? 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी मैंने लिख दिए। क्लियर? यहां पर जो डिफरेंसिएशन का प्रोसेस है उसको हमने क्या नाम दिया? स्पर्मेटिलियोसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, याद है? ठीक है, तो सीक्वेंस चेक करो जरा। सबसे पहले क्या बनेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया किसमें कन्वर्ट होंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन सेकेंडरी कन्वर्ट इनटू द स्पर्मेटिड एंड फाइनली स्पर्मेटिड कन्वर्ट्स इनटू द स्पर्मेटोजोआ विच इज नोन एज द स्पर्म। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो हमारे पास जो स्पर्म्स है वो बन के रेडी हो चुके हैं। नाउ व्हाट विल हैपन इन द प्रोसेस? अब आप ध्यान से देखो कि जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस विच इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब बेटा स्पर्मियोजेनेसिस में ऐसा क्या होगा कि स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में ऐसा क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं? सो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस? तो यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ वो चेंजेस जो कब होंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर? तो सबसे पहले देखो प्रोसेस में क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों के पास देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा? एक्रोसोम का। किससे फॉर्मेशन होगा? गॉल्जी बॉडी से। आगे जाके बेटा डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा आपको, अभी सिर्फ इतना याद करो, ठीक है। दूसरा, यहां पर एक्सपेंशन होगा किसका? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस विल बिकम लार्ज, ठीक है। तीसरा, यहां पर अरेंजमेंट होगा किसका? अरेंजमेंट होगा, देयर विल बी द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पाइरल फॉर्म। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल मैनर में क्या हो जाएंगे? अरेंज्ड हो जाएंगे। क्लियर? देन फोर्थ, रिडक्शन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा,
इस वजह से बेटा स्पर्म में हमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी नजर नहीं आता, नेग्लिजिबल. नंबर फिफ्थ, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेलम विच इज ऑल्सो नोन एज द टेल. किसका फॉर्मेशन होगा? फ्लैजेलम यानी कि टेल का. नंबर सिक्स, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. किसका फॉर्मेशन होगा? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल का. तो ये बेटा सारे चेंजेस जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, छह के छह. पहला, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा गोल्जी बॉडी से, न्यूक्लियस एक्सपैंड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शीथ की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, टेल यानी कि फ्लैजेलम का फॉर्मेशन होगा, और अल्टीमेटली सेंट्रियोल बनेंगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल. सेंट्रियोल अगर आपको याद हो तो प्लस वन में आप लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रियोल हेल्प इन द सेल डिवीजन. तो इन सब का फॉर्मेशन कब होगा? ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस. तो जब ये सब कुछ हो गया तो अल्टीमेटली जो हमारे स्पर्मेटिड थे वो फाइनली बेटा किसमें कन्वर्ट हो गए? स्पर्म्स में कन्वर्ट हो गए आपके पास, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया खत्म. ठीक है, अब जब स्पर्मियोजेनेसिस का बेटा प्रोसेस खत्म हो गया, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर द प्रोसेस? अब स्पर्म तो बन के रेडी हो गए ना, कहाँ रेडी हुए? सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर. ये जितने भी स्पर्म हम लोगों के पास बने हैं, ये ऑब्वियसली बेटा कहाँ बने हैं? द स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल. टिब्यूल के अंदर बने हैं ना, ठीक है ना, समझ गए. अब इनको निकलना है बाहर. याद है स्पर्म बनते हैं तो सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकल के कहाँ जाते हैं? सबसे पहले सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकल के कहाँ जाएंगे? कौन सा बच्चा बताएगा मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में जब स्पर्म बन के निकलते हैं तो वो सबसे पहले कौन से पार्ट में एंटर करते हैं? रूट, अगर किसी बच्चे को याद हो. बिल्कुल सही, टिब्यूले रेक्टे इज द राइट आंसर. वेरी गुड, सबसे पहले कहाँ एंटर होंगे? टिब्यूले रेक्टे में. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ठीक है, तो अब क्या होगा? आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब जब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस खत्म हो गया, तो बेटा स्पर्म को नरिशमेंट भी तो चाहिए. तो स्पर्म को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? विच सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म? लिखो जरा चैट बॉक्स में, विच सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, जल्दी से लिख दो. बिल्कुल सही, सर्टोली सेल. बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल क्लियर. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन? स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस खत्म हो गया, नाउ स्पर्म जो है दे विल बिकम एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल. किसमें जाके एम्बेडेड हो जाते हैं? सर्टोली सेल के अंदर, टू गेट द नरिशमेंट. क्या लेने के लिए जाएंगे? नरिशमेंट लेने के लिए. एम्बेडेड का मतलब होता है उनके अंदर चले जाते हैं, ऐसे धस जाते हैं उनके अंदर. सो टू गेट द नरिशमेंट. ठीक है, नरिशमेंट मिल गया यानी कि स्पर्म फुली मोटाइल भी हो गए, नरिश्ड भी हो गए. अब स्पर्म निकल जाएंगे. निकल जाएंगे कहाँ जाएंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर. कहाँ जाएंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर. नाउ द स्पर्म्स लीव द सेमिनिफेरस टिब्यूल. अब स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं. तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? द प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मिएशन. क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? स्पर्मिएशन. तो जब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ तो स्पर्म बन गए. द स्पर्म बिकम एम्बेडेड इन टू द सर्टोली सेल ताकि उनको नरिशमेंट मिल सके, और नरिशमेंट लेने के बाद स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकल जाएंगे. प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म बेटा. क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन. हाँ जी ज्योति, आप इसको नर्स सेल भी बोल सकते हो बेटा. वेरी क्लियर, पॉइंट समझ में आ गया. ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्पर्मिएशन. तो यहाँ पर प्रोसेस हो गया खत्म. तो ये है स्पर्मेटोगोनिया, जिसने डिवाइड करके और भी बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाए. इन स्पर्मेटोगोनिया ने आगे जाके बना दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी ने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करा तो उसने बना दिया सेकेंडरी
सेकेंडरी से बना स्पर्मेटेट और स्पर्मेटेट से बन गया स्पर्मेटोजोआ। बन गया बेटा, सबका क्लियर हो गया? स्क्रीन पे थम्स अप डाल दो जरा अगर ये समझ में आ चुका है आपको बहुत अच्छे से, और इसमें कोई शक या गुंजाइश बाकी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे ज्यादा क्लियर आपको नहीं समझा सकता कोई। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें बता दी हैं एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्पर्मिएशन का मतलब होता है जब स्पर्म बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन से बाहर निकल आते हैं तो प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोला जाता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का बेटा मतलब आगे जाके बढ़ेंगे। प्रॉक्सिमल वैसे होता है आगे, डिस्टल का मतलब होता है पीछे। क्लियर? तो ये प्रोसेस हो गया है यहाँ पर हमारा फिनिश। ओके, तो आई होप ये सब स्लाइड बच्चों को क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट अब बचा नहीं होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आ जाओ जरा, अब ये क्या है हम लोगों के पास? ये रहा मेल का हैप्लॉइड मोटाइल गैमीट, विच इज नोन एज द स्पर्म। हैप्लॉइड मोटाइल गैमीट नोन एज द स्पर्म। क्लियर? एंड इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हेम एंड ल्यूवेनहॉक। हेम एंड ल्यूवेनहॉक, दीज आर द टू साइंटिस्ट हु एक्चुअली डिस्कवर्ड द स्पर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा। डायग्राम देखो जरा स्पर्म का, आज का होमवर्क भी यही है आप लोगों का। स्पर्म के डायग्राम में सबसे पहला पार्ट आता है हेड, ये पूरा। सेकंड पार्ट आता है नेक। थर्ड पार्ट आता है मिडल पीस। फोर्थ पार्ट आता है टेल। ध्यान से देख लो बेटा, स्पर्म के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स हैं? टोटल चार पार्ट्स हैं। कौन कौन से पार्ट्स मैंने लेबल करे? नंबर वन हेड, नंबर टू नेक, नंबर थ्री मिडल पीस, नंबर फोर टेल। पॉइंट इज क्लियर? सबसे पहले हेड पे आ जाओ जरा। अभी बेटा हेड की यहाँ पर बात करते हैं। हेड के सामने ये ट्राइंगुलर कैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सबको आगे की तरफ? ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है एक्रोसोम। क्या बोला जाता है बेटा स्ट्रक्चर को? एक्रोसोम। तो स्पर्म का जो हेड है बेटा, ठीक है, हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है हेड के अंदर? न्यूक्लियस, विच में बी एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो स्पर्म का जो हेड है उसमें एक बड़ा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और उसका जो एंटीरियर पार्ट है मतलब आगे वाला, इट इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। हेड का जो आगे वाला पार्ट है वहां पर एक कैप है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैप? एक्रोसोम। एक्रोसोम कौन से सेल ऑर्गेनली से बनता है? सब बच्चे याद रखेंगे, फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट पेपर बेटा। एक्रोसोम कौन से सेल ऑर्गेनली से बनता है? गोल्जी बॉडी से। नाउ दिस एक्रोसोम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द एंजाइम, जो किस काम में हेल्प करेंगे? फर्टिलाइजेशन में। किस काम में हेल्प करेंगे? फर्टिलाइजेशन में। तो एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है। एंजाइम बेटा किससे बनते हैं? किससे बनते हैं एंजाइम? लाइसोसोम से। तो ध्यान से देख लो, एक्रोसोम बनेगा गोल्जी बॉडी से, और एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो लाइसोसोम से बनते हैं। इन एंजाइम्स को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? द एंजाइम्स आर कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। क्या बोला जाता है इनको? स्पर्म लाइसिन। क्योंकि बेटा है ये स्पर्म के अंदर, लेकिन काम क्या करेंगे? ये एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करेंगे। किसको तोड़ेंगे? एग की मेम्ब्रेन को। तभी तो इनको लाइसिन बोला गया है। लाइसिन का मतलब होता है जो ब्रेक करता है, तोड़ता है। जब तक एग की मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी तब तक स्पर्म और एग का फ्यूजन कैसे होगा? फ्यूजन करवाने के लिए कवरिंग तोड़नी पड़ेगी ना, तो कवरिंग तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? स्पर्म लाइसिन। तो स्पर्म लाइसिन में बेटा तीन एंजाइम्स आते हैं। कौन कौन से एंजाइम आते हैं? नंबर वन एंजाइम का नाम है जोना लाइसिन। ठीक है, जोना लाइसिन को नाम दिया जाता है एक्रोसिन। नंबर टू एंजाइम है हेल यूरोनिडेज, दिस इज द सेकेंड एंजाइम।
थर्ड एंजाइम आता है सीपीई. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीई? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. क्या बोला जाता है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, सीपीई. तो ये तीनों एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट होंगे एक्रोसोम के अंदर. तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? स्पर्म लाइसिन. तीनों मिलके क्या करेंगे? एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. अब ये कैसे करेंगे वो हम आगे बढ़ेंगे, वो अभी का काम नहीं है. अभी आप सिर्फ एंजाइम के नाम याद करो. तो एक्रोसोम कौन से सेल ऑर्गेनली से बनता है? ध्यान से देखो, गॉल्जी बॉडी. और एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो कौन से सेल ऑर्गेनली से बनते हैं? लाइसोसोम से. भूलना नहीं है बेटा बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने बोला न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में मे बी एक्स कंटेनिंग और मे बी वाई कंटेनिंग. ठीक है, अगर हमारे पास एक्स कंटेनिंग स्पर्म है तो उसको बोला जाता है गाइनोस्पर्म. क्या बोला जाता है एक्स कंटेनिंग स्पर्म को? गाइनोस्पर्म. क्योंकि बेटा एक्स क्रोमोसोम फीमेल में होता है, जनरली इट इज द एक तरीके से फीमेल की आइडेंटिटी है. तो एक्स कंटेनिंग स्पर्म को क्या बोला जाता है? गाइनोस्पर्म. और वाई कंटेनिंग स्पर्म इज नोन एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एंड्रोस्पर्म. क्या बोला जाता है इसको? एंड्रोस्पर्म. तो 50% हमेशा एक्स कंटेनिंग बनते हैं, 50% हमेशा वाई कंटेनिंग बनते हैं. पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, और ऑब्वियसली बेटा कवरिंग भी आपको नजर आ रही होगी, दैट कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हेड पार्ट कंप्लीट हो गया. हेड के बाद सेकंड पार्ट कौन सा आता है? नेक पार्ट. तो नेक में बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा? नेक में बेटा सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं नेक में? सेंट्रियोल. एक होगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो आगे की तरफ होगा, अब वो डायग्राम में आपको इतना क्लियर यहाँ पे शो नहीं करा. और एक उसके पीछे की तरफ होता है, तो पीछे वाले को क्या नाम दिया जाता है? डिस्टल सेंट्रियोल. दोनों कहाँ होते हैं? नेक में होते हैं. ठीक है, नेक के नीचे तीसरा पार्ट कौन सा है? ध्यान से देखो, मिडल पीस. ये पूरा का पूरा पार्ट कौन सा है बेटा? दिस होल पार्ट इज नोन एज द मिडल पीस. तो मिडल पीस में देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं आपको, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, 1, 2, 3, 4, 5. और कैसी फॉर्म में है? ऐसे स्पाइरल फॉर्म में अरेंज है, स्पाइरल फॉर्म में. तो ये जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली करेंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. बोलते हो ना आप इसको पावर हाउस, क्यों बोलते हो? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी. नाउ दैट एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? स्विमिंग. यानी कि इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म. तो स्पर्म को बेटा जो मोटिलिटी है वो मिलती कहाँ से है? माइटोकॉन्ड्रिया से. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और स्पर्म फटाफट से मूव करेगा. पॉइंट समझ में आया? यहाँ देखो लिखा हुआ है द मिडल पीस कंटेन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल एंड टू फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी विच इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. टेल की फटाफट से मूवमेंट हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, ताकि ओवरऑल स्पर्म क्या हो जाए? मोटाइल. जितना ज्यादा स्पर्म मोटाइल होगा उतना सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको नजर आएंगे वो किस फॉर्म में अरेंज्ड है? माइटोकॉन्ड्रिया आर अरेंज्ड इन स्पाइरल फॉर्म. स्पाइरल फॉर्म में अरेंज है. इस स्पाइरल अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है? दिस इज कॉल्ड निबेंकन. निबेंकन बेटा टर्म है, किसके लिए यूज की जाती है? स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये स्पाइरल अरेंजमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड निबेंकन. इसको निबेंकन बोला जाता है. पॉइंट इज क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी समझ में आ गया. अब मिडल पीस के बाद लास्ट बेटा क्या बचा? लास्ट बचा टेल. लास्ट क्या बचा? टेल बचा. ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि टेल में ये चीज नजर आ रही है आपको, इसको हम लेबल करते हैं एक्सियल फिलामेंट. क्या बोला जाता है?
एक्सियल फिलामेंट, ये बनता है बेटा प्रोटीन का, और ये निकलता है कौन से सेंट्रियोल से, डिस्टल सेंट्रियोल से। कौन से सेंट्रियोल से निकलेगा, डिस्टल सेंट्रियोल से। तो डिस्टल सेंट्रियोल गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट, जो कि प्रोटीन का एक लंबा सा फिलामेंट है, और वो फिलामेंट आगे जाके एंटर हो गया टेल में। तो ऑब्वियसली वो टेल को क्या प्रोवाइड करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो टेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी, पॉइंट इज क्लियर। तो मेल के केस में अगर आप बाय चांस माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मिडल पीस में है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में देखो यहां पर ये चीज नजर आ रही है, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट जो यहां से क्रॉस करता हुआ फाइनली कहाँ चला गया, टेल में चला गया। तो आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच अरेंजमेंट, मैं लिख रही हूँ सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, विच अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन द मिडल पीस एंड टेल ऑफ स्पर्म, टेल ऑफ स्पर्म। कौन सा अरेंजमेंट है जो आपको मिडल पीस और टेल में मिलेगा? पहला ऑप्शन 9+0, दूसरा ऑप्शन 9+4, तीसरा ऑप्शन 9+2, चौथा ऑप्शन 9+9। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बेटा, ये पूरी स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चंस आके देख लो स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर आप लोगों के पास है, अगर आप लोगों को याद हो प्लस वन में आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, और सेल चैप्टर में आप लोगों को अगर देखा है तो फ्लैजल और सीलिया भी पढ़ा होगा, पढ़ा है फ्लैजल और सीलिया सेल चैप्टर में, याद है उसमें एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं राउंड सा जो एनसीईआरटी में बना है, उसमें हम प्रोटीन का अरेंजमेंट बताते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का, रिमेम्बर आ गया याद काफी बच्चों को, ठीक है। तो उसमें कौन सा अरेंजमेंट बताते हो आप फ्लैजल और सीलिया में, 9+2 अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट बताते हो, 9+2, कहने का मतलब 9 फाइबर पेरिफेरी में है, 2 फाइबर सेंटर में है। अगर नहीं याद आ रहा तो प्लस वन के एनसीईआरटी खोल के देखना लेक्चर के बाद, याद आ जाएगा आपको 9+2 अरेंजमेंट। तो अगर आपसे पूछा गया कि मिडल पीस और टेल में कौन सा अरेंजमेंट प्रेजेंट है, तो 9+2 है बेटा, क्योंकि दोनों में एक्सियल फिलामेंट निकल रहे ना, तो एक्सियल फिलामेंट इज हैविंग 9+2 अरेंजमेंट। सेंट्रियोल में पूछा जाएगा तो सेंट्रियोल में हमेशा 9+0 होता है, ऑलवेज रिमेम्बर सेंट्रियोल में कितना होगा, 9+0, लेकिन फ्लैजेला में कितना होगा, 9+2। तो मिडल पीस में फिलामेंट है, टेल में फिलामेंट है, तो दोनों में अरेंजमेंट होगा सेम, दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। तो जितने भी बेटा मेल ने स्पर्म बनाए, वन टाइम मेल कितने स्पर्म एजैक्यूलेट करेगा, 200 to 300 मिलियन। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म जो होने चाहिए, दैट मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज, और 60 में से कम जो 40% है, 60 में से कम 40% है, दे मस्ट हैव द विग्रस मोटिलिटी, मतलब दे मूव वेरी फास्ट, तभी जो मेल है वो फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो स्पर्म जो है वो रिलीज्ड हो गए सेमिनिफेरस टिब्यूल से, फिर वो चले जाते हैं डक्ट में, तो वहां पर एपिडिडेमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द मैच्यूरेशन एंड मोर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये आ गया क्वेश्चन जो मेरे से कल बच्चे पूछ भी रहे थे कि मैडम आपने एपिडिडेमस को क्यों इंक्लूड किया है, तो लिखा है एनसीईआरटी में, सीक्रेशन ऑफ एपिडिडेमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड मोर्टिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो इन सब की सीक्रेशन है सेमिनल प्लाज्मा, और उसमें हमने डाल दिए स्पर्म, तो ये क्या बन गया, सेमेन। पॉइंट क्लियर हो गया? सो दिस इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल गैमेट, विच इज द हैप्लॉइड मोटाइल स्पर्म, और यू कैन से द स्पर्मेटोजोआ।
क्लियर बेटा, तो ये हो गया हम लोगों के पास, यहाँ पर प्रोसेस खत्म। आई होप ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया है सब बच्चों को? थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर। डन, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम उठा लिया देखो मैंने, ताकि आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े उसके ऊपर। मैंने कर दिया आपके हिस्से का काम भी। अब भी अगर आप लोगों ने ढंग से नोट्स बना के पढ़े ना और टेस्ट में नंबर ना आए, फिर तो बहुत शर्म वाली बात है। ध्यान से देख लो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में टोटल चार पार्ट है, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। माइक्रोस्कोपिक बोला है तो नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, बिल्कुल आ सकता है बेटा। जो चीज एनसीईआरटी में है वो बोर्ड में आएगी ही आएगी, बस सत्य वचन है ये तुम्हारे, बांध लो इसको कानों के पल्ले अपने। जो चीज एनसीईआरटी में है वो बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। इट विल डेफिनेटली कम्स इन द एनसीईआरटी। क्लियर हो गया सब बच्चों को? हमारा पेन भी जाम हो गया, बताओ। अब आप लोग फटाफट से बेटा होमवर्क देख लो जरा, जो मैंने आप लोगों को देना है आज का। होमवर्क क्या है आप लोगों के पास? एक तो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से बना के डायग्राम विद थ्योरी प्रॉपर मेंशन करना है आपने, होमवर्क नोट करेंगे सब बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क में, आपने पूरा डायग्राम अच्छे से वेल लेबल बनाना है, किसका? स्पर्म का, और प्लस उसके पार्ट्स भी मेंशन करने हैं। ये आज का आपका काम है। एंड्रोस्पर्म का मतलब होता है बेटा जो वाई कंटेनिंग स्पर्म होते हैं, और जो एक्स कंटेनिंग स्पर्म होते हैं उनको गाइनो बोला जाता है। गाइनो बेटा, इट इज नॉट जिम्नो। आपने टर्म सुनी है प्लांट में, गाइनोशियम। गाइनोशियम किसके लिए यूज होता है? फीमेल पार्ट के लिए। एंड्रोशियम किसके लिए यूज होता है? मेल पार्ट के लिए। तो वाई एक्चुअली रिप्रेजेंट द मेल, तो वाई कंटेनिंग स्पर्म्स आर कॉल्ड एंड्रोस्पर्म, एंड एक्स कंटेनिंग स्पर्म्स आर कॉल्ड गाइनोस्पर्म। ठीक है, होमवर्क नोट कर लो, लिख लो। अरे मैंने 2 मिनट साइलेंट करा है, वॉइस कहाँ से आएगी? रुको, आई हैव अ क्वेश्चन। रुक जाओ रुक जाओ, आई हैव आल्सो समथिंग टू टेल यू। आपके क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, पहले मेरे क्वेश्चन सुनने हैं आपने, मेरे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चंस हैं आपके, ये नोट कर लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है, इसको इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन बेटा लिख के चैट बॉक्स में डाल दो जरा। क्वेश्चन या तो चैट बॉक्स में डाल दो या मुझे भेज देना, मैं जरा यहाँ पे पॉइंट लिख दू। इम्पोर्टेंट एक टेबल मैंने आप लोगों को बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसमें हाय हाय, रिपीट द होमवर्क, कहाँ रहते हो चारू बेटा? अभी करती हूँ, रुको रिपीट। जरा पहले मैं यहाँ पे सेल्स बता दू जरा। व्हेन यू हैव द सेल, देन यू हैव टू राइट डाउन द क्रोमोसोम नंबर। बना लो ये जल्दी जल्दी मेरे साथ सारे बच्चे, ये टेबल फटाफट से बना लो। फिर उसमें आता है डीएनए का अमाउंट, ठीक है। फिर हमारे पास आती है डिवीजन, कौन सी डिवीजन ये सेल आपको शो करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये हमारा है फोर्थ वन।
ठीक है, तो मैं टेबल फटाफट से बना देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। व्हाट्सएप पे भेज दूंगी बेटा मैं आज का होमवर्क, डोंट वरी। आप पहले ये बना लो जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहला सेल कौन सा बनता है? स्पर्मेटोगोनियम। लिखो जरा सारे बच्चे, सबसे पहला सेल कौन सा है? स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे पहले सेल के नाम लिखो सीक्वेंस में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर कौन सा बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जल्दी जल्दी अपनी अपनी कॉपीज में लिखेंगे सब बच्चे। और देन उसके बाद बनता है हमारे पास स्पर्मेटिड, और लास्ट में क्या बनता है? स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है, 2n है, तो क्रोमोसोम नंबर 46। ये भी डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम नंबर 46। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है, क्रोमोसोम नंबर 23। स्पर्मेटिड हैप्लॉयड, क्रोमोसोम नंबर 23। स्पर्म हैप्लॉयड, क्रोमोसोम नंबर 23। हो गया। डीएनए का अमाउंट देखो, स्पर्मेटोगोनिया में डीएनए का अमाउंट होता है 2c। 2c मींस 2 कॉपी ऑफ डीएनए। तो जब स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा तो डीएनए का अमाउंट हो जाता है डबल, दैट इज 4c, 4 कॉपी ऑफ डीएनए। अब उसके बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टूटा 2 सेकेंडरी में, तो डीएनए दोनों में आधा आधा बट गया, तो बट गया तो कितना हो गया? 2c एक में। फिर आपने करा डिवीजन, मियोसिस 1, यहाँ पर हुआ मियोसिस 1, यहाँ पर हुआ मियोसिस 2, फिर से डीएनए का हाफ हो गया 1c, स्पर्म में सेम रहेगा 1c, दैट मींस 1 कॉपी ऑफ डीएनए। स्पर्मेटोगोनिया कौन सी डिवीजन करते हैं? माइटोसिस डिवीजन, तभी तो अपना नंबर बढ़ाते हैं। माइटोसिस भी करेंगे और उसके बाद एक और डिवीजन करेंगे, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, तभी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होंगे। पॉइंट समझे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे क्या करते हैं, कौन सी डिवीजन करते हैं? मियोसिस 1 डिवीजन, ठीक है, मियोसिस 1 करेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी डिवीजन करेंगे? मियोसिस 2 डिवीजन, क्लियर। फिर स्पर्मेटिड बन गया। अब स्पर्मेटिड क्या करता है? स्पर्मेटिड करता है प्रोसेस विच इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाए। फाइनली बेटा स्पर्म क्या करता है? स्पर्म करता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर निकल जाओ, लीव द सेमिनिफेरस टिब्यूल। दे एग्जिट द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्या बोला जाता है प्रोसेस को? स्पर्मिएशन। तो ये एक लास्ट कॉन्क्लूसिव टेबल है, ये आपको बनवाना जरूरी था, इसको याद करना आपको इजी रहेगा क्योंकि इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए तो एटलीस्ट आप जवाब दे सकते हो उसमें, ठीक है। ये मैं भेज दूंगी आपके ग्रुप में, डोंट वरी। स्पर्मिएशन बेटा डिवीजन नहीं है, मैं यहां पर लिख देती हूँ, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। डिवीजन या फिर प्रोसेस, क्योंकि कई सेल डिवीजन करेंगे, कई प्रॉपर प्रोसेस करेंगे, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, तो हो गया स्पर्मिएशन, क्लियर।